It's that time of the week, people, when you are going to whet your appetite of gossip. So welcome to Tantalize. Priyanka Chopra ने दे दी है अपने co-actor को शाहरुख के नाम की धमकी और सेट पर एक मच्छर के काटने से कंगना रनावत बिहेव लाइक अ सनकी। दीपिका पादुकोण हुई शाहरुख खान से बहुत ही नाराज और सोनाक्षी सिन्हा को लगता है कि वो करेंगे अवार्ड शो में नेक्स्ट ईयर राज। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद Tantalizer नंबर 10। Tantalizer number 10 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो apparently कर रही है name dropping. She is apparently threatening the newbies by flaunting her connection with शाहरुख खान. आपको सात खून माफ होंगे प्रियंका, लेकिन इस बुरी आदत से आपका करियर साफ हो सकता है. Here is the story. प्रियंका चोपड़ा ने अपने मॉडेस्टी का नकाब हटा दिया है और अब वो अपने फिल्मी कनेक्शंस और क्लाउड से जूनियर्स पर पड़ रही है भारी। सोर्सेस की माने तो प्रियंका एक यंग एक्टर के साथ सॉन्ग की शूटिंग कर रही थी। प्रियंका सीनियर होने के नाते उस एक्टर को परफॉर्म करने के टिप्स दे रही थी, लेकिन उस यंग एक्टर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। सोर्सेस के मुताबिक इस बात पर प्रियंका चिढ़ गई और उस एक्टर को धमकी दी ये कहकर कि ठीक से काम करो वरना शाहरुख को बोल के तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। शायद प्रियंका मजाक के मूड में थी, लेकिन उस नए एक्टर ने सदमा ले लिया। सुनने में ये भी आया है कि प्रियंका जब भी किसी सीनियर एक्टर के साथ बात करती है तो अपने बातचीत के दौरान शाहरुख खान का नाम जरूर लेती है और शायद वो इंडस्ट्री को बताना चाहती है कि शी हैज एक्सेस टू द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सलमान खान के साथ भी उन्होंने अपने रीसेंट टाइप का जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन सोर्सेस की माने तो साल की जितनी भी फिल्में सलमान कर रहे हैं उनमें प्रियंका का नाम बिल्कुल नहीं है। प्रियंका खान क्लब के साथ कनेक्शन बनाकर खुद को लाइमलाइट में रखने की आपकी स्ट्रेटेजी फेल होती नजर आ रही है। वी होप यू कम आउट विद अ बेटर प्लान एंड रिडीम योरसेल्फ। ये पूरी कहानी देखकर मुझे तो यही लगता है कि शायद प्रियंका सोच रही होगी कि शाहरुख के साथ लिंकअप से हुए वो बदनाम अब सोच रही होगी क्यों ना बना लूं इस पास्ट एपिसोड से मेरा नाम। Tantalizer नंबर 9 बनी है कंगना रनौत, जिन्होंने अपेरेंटली किया स्टूडियो में हंगामा क्योंकि उन्हें एक मच्छर ने काट लिया। भाई एक मच्छर हीरोइन का मूड खराब कर देता है। चेक इट आउट। कंगना रनौत बन गई है मिस ओवर सेंसिटिव। हाल ही में कंगना को करनी थी एक फिल्म स्टूडियो में डबिंग, जहां उनके साथ हुआ एक हादसा। एक नॉटी मच्छर ने कंगना को किया बाइट एंड मैडम गॉट इनटू अ बिग फाइट। सोर्सेस की माने तो कंगना फिल्म के डायरेक्टर पर बरसी और फिल्म के प्रोड्यूसर से स्टूडियो की गंदगी के बारे में कंप्लेन की। प्रोड्यूसर कंगना के टेंपर टैंट्रम से इतना डर गए कि उन्होंने दूसरा स्टूडियो बुक कर लिया। एक मच्छर का काटना मामूली चीज है, लेकिन नाजुक कंगना रनौत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें शायद लगा मच्छर के काटने से उन्हें मलेरिया हो सकता है। कंगना शायद आप भूल रही हैं कि मच्छर वो प्रजाति है जो स्टोन एज से मॉडर्न एज तक सभी को बिना किसी भेदभाव के काटते आ रहा है। भाई हमें तो ताज्जुब नहीं होगा अगर किसी दिन कंगना प्रोड्यूसर से कहेगी सूरज के किरणों से मेरी त्वचा सावली हो जाती है, आप चांद पर शूटिंग क्यों नहीं करते। रूमर मॉन्गर्स की माने तो कंगना एक दिन अपनी ही एक्टिंग देखकर खुद क्लैप कर रही थी और क्लैप करते वक्त उन्होंने मम्मा मस्किटो और पापा मस्किटो को मार दिया। अब बेबी मस्किटो उनसे रिवेंज लेने के लिए आ गया। जस्ट किडिंग गाइस, बट रियली कंगना वी डिडंट नो यू वर सो फिकल। क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, एक मच्छर से तुम्हारी शक्ल थोड़ी बिगड़ जाएगी। Tantalizer नंबर 8 बने हैं रणबीर कपूर, हु इज अपेरेंटली डेटिंग टू गर्ल्स एट द सेम टाइम। ड्यूअल सिम कार्ड का जमाना है भैया, इनकमिंग आउटगोइंग चलते रहते हैं। लगता है रणबीर कपूर इज टेकिंग कैसनोवा टैग्स टू सीरियसली। सुनने में आया था कि रणबीर इज डेटिंग टू गर्ल्स एट द सेम टाइम। एक तो कटरीना, जिन्हें रणबीर अपना प्यार का प्रूफ देते रहते हैं। हाल ही में कटरीना को किसी फोन कमर्शियल के लिए जाना था दिल्ली। ऐसे में रणबीर ने अपनी डिवोशन दिखाई और अपेरेंटली कटरीना से मिलने चंडीगढ़ से दिल्ली ड्राइव करते चले गए। लेकिन रणबीर की जिंदगी में एक और क्यूट लड़की है जो हाई सोसाइटी को बिलोंग करती है। सुनने में यह भी आया है कि रणबीर के पेरेंट्स इस लड़की को मन ही मन पसंद करते हैं और कैट्स के बारे में भी उन्होंने सीक्रेटली लंदन में पूछताछ शुरू कर दी है। पर लगता है कि रणबीर को इन
सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज लिविंग द मोमेंट। एक तो कटरीना है हॉट और दूसरी लड़की स्वीट, अब तो वक्त ही बताएगा कि रणबीर कपूर बनेंगे किसके मन के मीत। रणबीर हैं बर्फी का टुकड़ा जिसे पाना चाहती हैं कटरीना कैफ, लेकिन और भी लड़कियां लाइन में खड़ी हैं जो बनना चाहती हैं रणबीर की वाइफ। और टेल मी मिस्टर कपूर, व्हेन विल यू एंड दिस कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ। टेंटलाइज़ नंबर 7 बनी है दीपिका पादुकोण, जो हो गई SRK से नाराज क्योंकि शाहरुख खान कर रहे थे उन्हें टीज उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह को लेकर। चेक आउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू रब दीपिका द रॉन्ग वे। दीपिका पादुकोण नाराज है अपने फेवरेट को-स्टार शाहरुख खान से। शाहरुख ने दीपिका को उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रणबीर सिंह के बारे में सवाल किया, उन्हें एम्बेरेस करने की कोशिश की। शुरू में तो दीपिका ने अपने स्वीट डिंपल से शाहरुख की बात को टाल दिया, लेकिन जब शाहरुख खान कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगे तो दीपिका ने अपने तेवर दिखा दिए। अपेरेंटली दीपिका मुंह फूल कर बैठ गई। दीपिका अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर बहुत ही सीक्रेटिव और पोजेसिव है। रणबीर का नाम उनके साथ बार बार जोड़कर लगता है शाहरुख ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहा जाता है कि दीपिका इस कदर नाराज हुई कि शाहरुख को दीपिका से माफी मांगनी पड़ी। दीपिका, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको रणबीर के साथ पेयर अप ना करें, तो कम से कम अपने इंटरव्यूज में ये कहना बंद कर दो कि रणबीर मेक्स मी फील स्पेशल, क्योंकि लोग तो वही बोलेंगे जो आपके मुंह से सुनेंगे। दीपिका है डिनायल मोड में। एक तरफ वो एंजॉय कर रही हैं रणवीर का अटेंशन, दूसरी तरफ रणवीर के रोड साइड रोमियो वाले इमेज से हो रही है उनको टेंशन। शाहरुख ने उन्हें छेड़कर कर दिया है अवेयर। अब रणवीर के साथ लिंकअप नहीं होने के लिए ले रही है एक्स्ट्रा केयर। ट्रेंडलाइज नंबर 6 बनी है ऐश्वर्या राय बच्चन, जो अब भी शाहरुख खान से नाराज हैं। 10 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से ऐश शाहरुख के साथ काम नहीं करना चाहती। यार, पहले दीपिका शाहरुख से नाराज है, अब ऐश भी नाराज है। कमाल इंसान है शाहरुख खान, इरिटेट करते रहते हैं सबको, जब तक है जान, जब तक है जान। लगता है शाहरुख खान पर आज तक नाराज हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। अगर सोर्सेस की माने तो डायरेक्टर फराह खान ने ऐश्वर्या को शाहरुख के साथ काश करने की कोशिश की इन हर अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म में ऐश के पति अभिषेक भी हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने शाहरुख के साथ पैर अप होने से अपेरेंटली इनकार कर दिया। रीजन, 10 साल पहले जब ऐश्वर्या फिल्म चलते चलते के लिए शाहरुख के साथ पैर अप हुई थी, तब सेट पर उनके तभी के बॉयफ्रेंड सलमान खान ने हंगामा किया। इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख ने ऐश्वर्या को प्रोजेक्ट से हटवा दिया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को साइन किया। नाउ इट्स पे बैक टाइम। लगता है आज भी ऐश्वर्या शाहरुख से नाराज हैं और इसलिए वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती। ऐश्वर्या ने बच्चन ब्रांड से एसोसिएट करके किया अपने जिंदगी का सबसे बड़ा मूव। अब पुराने हीरो शाहरुख भी चाहते हैं उनके साथ स्क्रीन पर करे वो ग्रूव, बट लेडी रिफ्यूजेस टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। शाहरुख हैज ऑफेंडेड हर वंस एंड नाउ शी वांट्स टू लॉक हॉर्न्स। टेंटलाइज़ नंबर 5 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो शायद हो गई है ओवर कॉन्फिडेंट, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कर दी है भविष्यवाणी कि वो जीत लेंगी अपने परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड। भाई वाह, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है। लगता है सोनाक्षी के टूथपेस्ट में नमक है, काली मिरी है, हिंग है और कोयला है, इसलिए वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा रही है। दबंग और राउडी राठौड़ के सुपर डुपर सक्सेस ने सोनाक्षी का कॉन्फिडेंस को फुला दिया है। हाल ही में हुए अवार्ड फंक्शन में जब सोनाक्षी ने देखा कि विद्या बालन को 4 बार लगातार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो उनसे रहा नहीं गया। सोनाक्षी ने डिक्लेयर किया कि नेक्स्ट ईयर फिल्म लुटेरा के लिए उन्हें भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। शायद सोनाक्षी भूल गई हैं, राउडी राठौड़ और दबंग में वो सिर्फ एक खूबसूरत प्रॉपर्टी थी। उन्होंने सलमान और अक्षय जैसे बड़े स्टार्स को सिर्फ सपोर्ट किया है। माना कि सोनाक्षी के फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लेकिन अवार्ड विनिंग रोल करना एक अलग बात है। विद्या ने डर्टी पिक्चर और कहानी में बहुत मेहनत की और अलग किरदार लोगों के सामने पेश किया, लेकिन सोनाक्षी ने अपनी दोनों फिल्मों में सिमिलर टाइप के रोल निभाए हैं। सोनाक्षी, अवार्ड जीतने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, क्योंकि बॉलीवुड में जो हटके काम करता है वही हिट होता है। सोनाक्षी, सलमान और अजय हैं डिपेंडेबल बंदे और अभी तक नहीं हुए मजबूत आपके कंधे। विद्याज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इज कॉल्ड द लायन शेयर, एंड लेट्स एडमिट इट, आज की तारीख में यू आर जस्ट नॉट देयर।
टेंटलाइजम और फोर बनी है बिपाशा बासु, जिन्हें सरप्राइजिंगली हर हॉरर फिल्म के दौरान भूत प्रेत और पिशाच के साथ क्लोज एनकाउंटर्स का एक्सपीरियंस मिलता रहता है। स्ट्रेंज इज इट अ फैक्ट और पब्लिसिटी के लिए फिक्शन। बिपाशा बासु का ये कहना है कि हर हॉरर फिल्म में बिपाशा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। हर फिल्म के सेट पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये शूटिंग फ्लोर हॉन्टेड है। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म आत्मा के शूटिंग के दौरान बिपाशा को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उनका कहना है कि देयर हैज बीन अनकैनी एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द फिल्म शूट्स एंड आई एम नॉट अ वेरी ब्रेव गर्ल। अगर आप ब्रेव गर्ल नहीं हैं तो आप बार बार ऐसी फिल्में क्यों करती हैं, और बार बार आपको स्पूकी एक्सपीरियंसेस मिलने के बावजूद आप उन स्टूडियोज के चक्कर क्यों लगाती हैं? दरअसल आपकी ये पब्लिसिटी की स्टाइल पुरानी हो गई है। हर हॉरर फिल्म की हीरोइन इस तरह के इंटरव्यू देती है ताकि ऑडियंसेस को एक्साइट कर सके, लेकिन बिपाशा आजकल के ऑडियंसेस स्मार्ट हो गए हैं। अगर आपको आत्मा फिल्म प्रमोट करनी है तो कोई और गिमिक सोचना पड़ेगा, वरना ऑडियंस की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बिपाशा ने बनाया ऑडियंसेस के लिए पब्लिसिटी का फांसा, पर पब्लिक ने कहा क्यों देती हो हमें झांसा। बिप्स टेक माय एडवाइस, अगर इतना ही स्पूकी एक्सपीरियंस फेस कर रहे हो तो प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन हनुमान चालीसा। क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्म की पहली किस 1933 में फिल्म कर्मा में देविका रानी ने एक्टर हिमांशु राय को दी थी, जो स्क्रीन पर पूरे 4 मिनट तक चली। 4 मिनट भैया आप सोचिए, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि वो उनके पति थे। हम कुछ मिनटों में वापस आते हैं, ओनली विथ टेंट लाइस। कमिंग अप ऑन टेंट लाइस, रणवीर सिंह हमेशा टॉप गियर में रहते हैं, अजीब हरकतें करना उनके नेचर में है, और हाल ही में हुए अवार्ड शो में उन्होंने खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को अपने इस बिहेवियर का नजारा दिखाया। रूमर मॉन्गर्स की माने तो परिणीति सबर्ब्स में एक फ्लैट की तलाश कर रही है जिसमें वो और उनके अलेजेड बॉयफ्रेंड साथ रहेंगे। नरगिस ने सबको हक्का बक्का कर दिया ये कहकर कि उनके पास डेट्स नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि नरगिस सिर्फ एक फिल्म कर रही है, मद्रास कैफे, फिर भी वो पुनीत को डेट्स नहीं दे सकी। टेंटलाइजर नंबर 3 बने रणवीर सिंह, जिन्होंने अपनी उटपटांग हरकतों से कर दिया है गैंग्स ऑफ वसेपुर फेम की हीरोइन हुमा कुरैशी को एम्बैरेस। अपेरेंटली रणवीर ने एक रीसेंट इवेंट पर रेड कारपेट पर हुमा कुरैशी को जबरदस्ती नचवाया, और रेड कारपेट पर हुमा के गाल रेड हो गए और उनके कानों से धुआं निकलने लगा। चेक इट आउट। रणवीर सिंह हमेशा टॉप गियर में रहते हैं, अजीब हरकतें करना उनके नेचर में है, और हाल ही में हुए अवार्ड शो में उन्होंने खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को अपने इस बिहेवियर का नजारा दिखाया। हुमा रेड कारपेट पर मौजूद रिपोर्टर्स को दे रही थी साउंड बाइट, इतने में अचानक रणवीर वहां आ गए और उन्होंने हुमा का हाथ पकड़ा और उनके साथ नाचना शुरू कर दिया। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हुमा रणवीर के साथ कभी ऑफिशियली मिली नहीं थी और रणवीर के इस हरकत ने उन्हें चौंका दिया। दरअसल हुमा को लगा रणवीर शायद उन्हें पोलाइटली एयर किस करने वाले हैं, लेकिन रणवीर का अंदाज कुछ और ही है, उन्होंने हुमा के साथ वॉल्ट्स डांस किया। रणवीर, हमारा सुझाव है, डोंट स्टील समबडी एल्सस थंडर और बॉलीवुड विल लेबल यू एज अ वन टाइम वंडर। रणवीर, अगर आपका ऐसा ही रेकलेस एटीट्यूड रहा तो यू विल गो फ्रॉम सो हॉट टू टच मी नॉट। टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है परिणीति चोपड़ा, जो अपेरेंटली अपने एलिजेड बॉयफ्रेंड मनीष शर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन पहले तो परिणीति कह रही थी कि मनीष उनके बॉयफ्रेंड नहीं, फिर अचानक ऐसे कैसे इश्क ज्यादे बन गए और नए नए वादे करने लगे। परिणीति चोपड़ा अपने जिंदगी में एक बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है। उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड डायरेक्टर मनीष के साथ वो मूव इन करने वाली है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो परिणीति सबर्ब्स में एक फ्लैट की तलाश कर रही है जिसमें वो और उनके अलेजेड बॉयफ्रेंड साथ रहेंगे। लेकिन जब भी परिणीति को मनीष के बारे में सवाल किया जाता है तो वो भड़क जाती है और कहती है कि मनीष सिर्फ उनके मेंटोर है, पर हकीकत कुछ और ही है। शायद अब एक्टर बनने के बाद परिणीति का माइंड ओपन हो गया है। परिणीति, आपने मीडिया के सामने गुस्सा होने का अच्छा खासा नाटक तो कर लिया, लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार छुपाने से नहीं छुपता। वी विश यू एंड मनीष एन अमेजिंग टाइम टुगेदर।
प्यार छुपाने से नहीं छुपता, और परिणीति बीत गए वो पुराने दिन, when living was considered a sin. आजाद इश्क ज़ादे की तरह अब बिताओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिना गिन. This is your captain speaking. अपनी सुरक्षा पेटी बांधे रखिए. The joyride continues. We are on the gossip train. See you right after this break. Trendline number one बनी है नरगिस फकरी. Was refused to do an item song. ये कहकर कि she is extremely busy. शायद she is extremely busy romancing उदय चोपड़ा. अब बकरा मिल गया तो काम किसको करने का है? नरगिस फकरी को अपने डेब्यू फिल्म रॉकस्टार में क्रिटिक्स ने बैन किया, पर हाल ही में डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में एक आइटम नंबर के लिए कॉल किया. दरअसल ये आइटम नंबर ईशा गुप्ता करने वाली थी, लेकिन उन्हें एन मौके पर रिप्लेस करना पड़ा. डायरेक्टर पुनीत को लगा शायद नरगिस इतनी बिजी नहीं होंगी और वो ये आइटम नंबर करने के लिए तुरंत हाँ कर देगी, लेकिन नरगिस ने सबको हक्का बक्का कर दिया ये कहकर कि उनके पास डेट्स नहीं है. हैरत की बात तो यह है कि नरगिस सिर्फ एक फिल्म कर रही है, मद्रास कैफे, फिर भी वो पुनीत को डेट्स नहीं दे सकी. करीना कटरीना और प्रियंका जैसे टॉप स्टार्स महीने में चार चार फिल्मों के शूट करते हैं, फिर भी उनके पास आइटम नंबर्स के लिए टाइम होता है. लगता है अब भी नरगिस बॉलीवुड में नहीं है और उन्हें टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक सीखना पड़ेगा. हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ये हुनर सीख लेंगी. नरगिस अपनी डेब्यू फिल्म में एक्टिंग डिपार्टमेंट में आप फ्लॉप होने के बावजूद, इट सीम्स लाइक यू हैव हिट अ गोल्ड माइन. बॉलीवुड में सर्वाइव करना है तो यू विल हैव टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स. Did you know that gossip सुनने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है? Yes. अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ, छोड़ो. ये फैक्ट नहीं फिक्शन है, बट यस, गॉसिप से आपको है प्यार और हमें है परोसने को, हमेशा हम परोसने को है तैयार. सो सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन डेंटलाइज, ओनली ऑन जूम इंडियाज नंबर वन बॉलीवुड चैनल.